बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम केटी क्लास, वेलकम बैक टू द उर्दू लेसन। द टीचर, मुझे उम्मीद है कि इससे जो पिछला सबक था, यानी हम जिसके बारे में हमने बहुत सारी बातचीत की, एक हमने हमको याद भी किया, एक्टिविटीज भी की, तस्वीर के जरिए हमने बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे आसपास मौजूद हैं जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई हैं, उनके नाम भी सीखे, लिखने भी सीखे। लेकिन टीचर, चूंकि अब हम आज से बच्चों को इंडिपेंडेंट राइटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्रिएटिव राइटर बनाने की कोशिश करें कि पहले वो जो लफ्ज देखें या तस्वीर देखें तो उसके बारे में सोचें, इब्तदाई आवाज़, जुमले की शक्ल, जो कैसे लिखेंगे, वो क्या लिखना चाह रहे हैं, ये तमाम तर स्किल्स जो है वो क्रिएटिव थिंकिंग में आती है और फिर उससे ही क्रिएटिव राइटिंग होती है। तो क्रिएटिव राइटिंग से पहले का स्टेप है क्रिएटिव थिंकिंग, और उस थिंकिंग के लिए ज़रूरत है इनको अल्फाज की, अल्फाज के लिए ज़रूरत है इनको आवाज़ों की, और वो सब हमने कोशिश की है कि अब यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इनको हम एक जुमला लिखने के काबिल बना दें। तो आज का जो सबक है टीचर्स, अगर आपने इससे पहले वाली जो एक्टिविटी है हम वाली वो करवा ली है, ज़रूरी नहीं है कि आप एक सबक को एक दिन में करवा के अगले दिन अगला सबक शुरू कर दें। अगर आपको लगता है कि एक सबक आपकी क्लास के लिए दो या तीन दिन भी चल सकता है, जिसमें आप बच्चों की स्किल को डिवेलप कर रहे हैं, स्किल जो है कभी भी एक सबक से फौरन ही डेवलप नहीं हो जाती, उसके लिए एफर्ट करनी पड़ती है, उसको टाइम देना पड़ता है। तो अगर बच्चे आपकी क्लास में ऐसे मौजूद हैं जो कि जुमला लिखना सीख गए हैं, तो उनको आप जो है वो इस चीज़ के लिए उनसे हेल्प लें, सपोर्ट लें कि वो उनके जो फ्रेंड्स अभी आहिस्ते आहिस्ते स्ट्रगल कर रहे हैं वो उनकी हेल्प करें। तो आप जो है लेसन को उसी तरह ही प्लान करें कि बच्चे जो है वो एक दूसरे की हेल्प भी करें और दो से तीन दिन के अंदर आपका जो टास्क है वो कंप्लीट हो, और उसके बाद फिर आप किसी नए सबक की तरफ बढ़ सके, क्योंकि जो नया सबक है उनके लिए कोई नया स्किल या नया चैलेंज लेके आएगा। पिछले तमाम चैलेंजेस या टास्क खुद करने के बाद ये फिर अगले नए चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो आज का जो सबक है टीचर वो है एक नात, एक छोटी सी नज़म है जिसमें हमने जिक्र करना है किसका, हमने जिक्र करना है एक दूसरे को हमने कैसे ग्रीट करना है, और ग्रीटिंग का एक प्रॉपर ELO है टीचर्स जो कि हमारे करिकुलम में मौजूद है, उसी को आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले कुछ सवालात है मेरे पास जो बच्चों ने जवाब देने हैं। सबसे पहले तो आपने ये बताना है कि हम सबका खुदा कौन है और अल्लाह ताला ने कौन कौन से अशिया तख्लीक की हैं। ये सवालात मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ ताकि मुझे ये पता चल जाए और आपके टीचर को भी कि आपको पिछले सबक से कुछ चीज़ें जो आपने सीखी थी वो आपको याद हैं या नहीं। तो टीचर्स, अभी आपने बच्चों से वो सवालात पूछने हैं और साथ साथ कुछ ऐसे सवालात जो आने वाले सबक के लिए इनको जरूरी चाहिए। मिसाल के तौर पे आप घर में दाखिल होते वक्त पहला काम क्या करते हैं, अपने दोस्त से मिलते वक्त पहली बात उनसे क्या करते हैं, किस तरह मिलते हैं, किस तरह ग्रीट करते हैं, हमें ग्रीट कैसे करना चाहिए। ये टीचर, जरूरी नहीं कि आपकी क्लास के तमाम बच्चे जो हैं वो मुसलमानों, हो सकता है ओकेजनली किसी एक क्लास में जो है कोई नॉन मुस्लिम भी हो, तो उनसे पूछे कि वो अपने घर आने वालों को या किसी से मिलने वालों को कैसे ग्रीट करते हैं। ये सब हमने इंक्लूड करना है, ये हमारे करिकुलम की रिक्वायरमेंट है कि हम एक दूसरे को जाने खूब अच्छे तरीके से, और ये समझने की कोशिश करें कि हर रिलीजन में, हर कल्चर में जो एक्टिविटीज की जाती हैं, जो बिहेवियर लोगों का एक दूसरे के साथ होता है, इसमें क्या क्या सिमिलर है। जैसे हम मिलते हैं तो हम सलाम करते हैं, तो दूसरे मजाहिब के लोग हैं या दूसरी सोच के लोग हैं वो कैसे सलाम करते हैं, वो कैसे मिलते हैं, उनका क्या तरीक़ेकार है, ये तमाम जो बातचीत है जिसके साथ मैं कर रही है बच्चों के साथ। और अगर आपके पास कोई वीडियो है ऐसे दिखाने के लिए डिफरेंट रिलीजन के लोग कैसे दूसरे को ग्रीट करते हैं, क्योंकि हमने GK में ये चीज़ सीखी थी कि हिंदू जो मजाहब के लोग हैं वो किस तरह बातचीत करते हैं, कैसे सलाम करते हैं, कैसे इबादत करते हैं, और क्वेश्चंस कैसे करते हैं। तो आपने ये तमाम गुफ्तगू जो है एक नटशेल में डालनी है आज के लेसन के वार्म अप के लिए, और वो आप बेहतर डिसाइड कर सकती हैं कि बच्चे किस सवाल का जवाब आपको दे सकते हैं। तो इस वीडियो को पॉज कीजिए और इस वार्म अप को खूब अच्छे तरीके से 10 से 12 मिनट तक कंप्लीट करने के बाद फिर वापस करिए। तो ये टीचर, 10 से 12 मिनट तो एक मेरा सजेस्टेड टाइम है, अगर आपके बच्चे इससे ज्यादा टाइम लेते हैं तो जरूर ले लीजिए, या इससे कम टाइम लेते हैं अपनी बातचीत को करने में, शेयर करने में। एज अ टीचर आपको पता चल जाता है कि किसी वक्त किस सवाल के जवाब की सैचुरेशन आ गई है, एक ही तरह का जवाब आ रहा है, बच्चे किसी को कॉपी करके रिस्पॉन्स करें, कोई नई बात नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि आप लेसन के अगले हिस्से पे मूव कर सकते हैं। तो आज का जो लेसन का टॉपिक है, नज्म है जनाब सलाम, और इसके लिए स्किल्स चाहिए लिसनिंग, स्पीकिंग, और आहिस्ता आहिस्ता अब हम रीडिंग की तरफ जा रहे हैं। की लर्निंग एरिया यानी क्लीरिटी कौन सा है हमारा, PSED,
और एक दूसरे को सलाम करने में पहल कर सकें, ये है हमारा आज का हासिलाते तालों। तो टीचर्स आज के सबक को कंटिन्यू करते हैं और हमने बच्चों को ये बताना है कि एक दूसरे को सलाम करने में क्या जो है इसमें क्या खासियत है और क्या बेहतरी है हमारे लिए। एक हदीस का रेफरेंस यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, हजरत सैयदना जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ने इरशाद फरमाया, सलाम गुफ्तगू से पहले है, यानी जब आप किसी को मिलते हैं पहली दफा देखते हैं, आमना सामना आपका होता है, तो आपको सबसे पहले सलाम करना है। सलाम कैसे करते हैं बच्चों? अस्सलामु अलैकुम या अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने जब भी सलाम करना है प्रॉपर तरीके से सही तलफ्फुज़ के साथ करना है। आपने ऐसे नहीं कहना सलाम अलैकुम सलाम, ऐसे नहीं कहना, आपने प्रॉपर तरीके से सलाम है वो उसको बोलना सीखना है। अस्सलामु अलैकुम यानी आप पे अल्लाह ताला की सलामती हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि जब दो आदमी मिलते हैं तो पहले कौन सलाम करता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जो दोनों में से अल्लाह के ज्यादा करीब है। तो टीचर्स ये दो अहादीस आपके साथ में एज अ रेफरेंस रख रही हूँ, इन्हीं को आपने फोकस करते हुए बच्चों की स्किल को डेवलप करना है कि उन्होंने प्रॉपर तरीके से सलाम करना सीखना है। तो चलिए सलाम करने की प्रैक्टिस टीचर्स आपने बच्चों को करानी है। आप कोशिश करें कि अपना भी जो लहजा है जिसमें आप अस्सलामु अलैकुम कहती हैं, क्या वो इतना क्लियर और इतना वाजिया है कि बच्चे उसको उसी तरह समझ सकें। और बच्चों को आज आपने इतनी अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करवानी है कि अगर इनके घरों में भी इस बात को इतना सीरियस नहीं लिया जाता, इस लफ्ज़ को इतना सीरियसली अदा नहीं किया जाता प्रॉपर तलफ़ से, तो आप इनको कहना कि घर जाके भी ये सबको बताएं कि मैंने आज सीखा है कि हम मुसलमान हैं और हमें सलाम कैसे करना होता है, उसका प्रॉपर तरीका ये है अस्सलामु अलैकुम। चलिए बच्चों शाबाश मेरे साथ बोलिए अस्सलामु अलैकुम। तो ये तो हमने किया किसी को सलाम, जब जो सामने वाला आपका सलाम सुनता है उसको क्या कहना चाहिए? वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहिए? वालेकुम अस्सलाम। शाबाश। तो टीचर आपने ये दोनों अल्फाज की प्रैक्टिस बच्चों से करवानी है। इनसे ये कहना है कि आपने सामने बैठ के या ये ग्रुप्स में बैठे हुए हैं या पेयर्स में बैठे हुए हैं तो एक दूसरे को प्रॉपर तरीके से सलाम करें और आप इंश्योर करें कि बाय द एंड ऑफ द डे इनका सलाम जो करने का अंदाज है वो बिल्कुल क्लियर है, तलफ्फुज भी क्लियर है। और जब भी किसी को सलाम कर रहे हैं तो अपना हाथ बढ़ा के गर्म जोशी से हाथ मिला के जो है वो अस्सलामु अलैकुम बोलना प्रॉपर तरीके से सीखें। आइए अभी नर्स को शुरू करते हैं। अच्छे बच्चों का है काम, सुबह उठे तो करें सलाम, घर से जब वो बाहर जाएं पेश करें वो सबको सलाम, उनके घर जब कोई आए झुक कर करें वो अदब से सलाम, अपने दीन की है तालीम बाद में बातें पहले सलाम। जी हाँ, देखा अभी हमने एक हदीस भी पढ़ी थी जिसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सबसे पहले आपने सलाम करना है और फिर बाद जो अपनी बातें हैं वो बाद में करनी है। तो टीचर्स आपने बच्चों को यही इनकरेज करना है कि जब वो एक दूसरे से जुदा हो रहे होते हैं या घर जा रहे होते हैं या होम टाइम होता है तो उस वक्त भी वो प्रॉपर तरीके से एक दूसरे को सलामती देके जाएं, यानी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू प्रॉपर जो है पूरी दुआ देके जाएं और फिर अपने लिए दुआ लेकर भी जाएं। तो आइए बच्चों भी एक एक्टिविटी करते हैं ग्रुप में। तमाम तलबा नज़्म सलाम को तरन्नुम लय और आहंग के साथ बावाज़ बुलंद मिलकर पढ़ेंगे। तो टीचर एक छोटी सी जो है तरन्नुम मैंने भी बना ली, अगर आपको कोई और बेहतर ऑप्शन लगती है या बच्चे मिलकर जब गाते हैं तो एक तरन्नुम बन जाती है उसको आपने कंटिन्यू करना है। लेकिन आज एक छोटी सी नज्म है, किताब में इनका सबक भी यही है कि ये सलाम को प्रॉपर तरीके से करना, एक दूसरे को ग्रीट करना, बातचीत करना और उसके बाद इस चीज को अंडरस्टैंड करना कि हम जब किसी को कहते हैं अस्सलामु अलैकुम उसका क्या मतलब होता है कि आप पर
अल्लाह ताला की सलामती हो। और जब हम कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला की सलामती आप पर भी हो। तो हम कितनी, लेकिन कितनी खूबसूरत बात है, हमें एक दूसरे को सलामती और जो है वो अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती और जिंदगी की जो है वो दुआ दे रहे हैं। तो टीचर बच्चों से कहें कि वो जो हदीस किताब में जो दी गई इस पीपीटी में दी गई है उसको इस वर्कशीट में लिख के लेके आए, अगर वो लिख सकते हैं तो, नहीं तो इनसे कहें कि इनको इसी एक्टिविटी को घर जाकर फिर वो अच्छे तरीके से दोहरा ले। आज बच्चों को आपने सलाम करने की तरगीब भी देनी है और फिर सलाम करने के फवायद और उसके फजाइल भी बताने हैं, यानी इनका मायने भी समझाना है। तो चलिए बच्चों, टीचर के साथ आपने इस नज़्म को खूब अच्छे तरीके से याद भी करना है, और सिर्फ याद नहीं करना, सलाम को कैसे करना है, क्या कहना है, कैसे जवाब देना है, और जितनी जल्दी हो सके किसी को देखते ही सलाम कहना है ताकि अल्लाह ताला की सलामती आपके लिए भी जल्दी से आ जाए। तो प्लीज कंटिन्यू विद द लेसन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।